बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में या फिर कॉल करके पूछ रहे हैं सर वी आर फिलिंग दिस फॉर्म वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी व्हाट व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू बी डूइंग वेदर वी विलक दिस जॉब और नॉट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट देर आई थॉट टू डू सम रिसर्च ऑन माई ओन ट्राई एंड टॉक विद सम ऑफिसर्स हु आर प्रॉबली इन सम ऑफ वे रिलेटेड और कनेक्टेड विद आई एफ वर्क एंड अंडरस्टैंड माई सेल्फ वट आई एफ एस सी ऑफिसर्स डू I have divided this session into three parts. Number one, the services that IFSC as an authority provides or aims to provide. Why a separate place has been created when we already have SEBI, when we already have Mumbai as the financial capital of India. So we have to use the setup create koshish. I will be answering that as well very briefly. And thirdly, the departments where you will get a chance to work if you're selected. एन आई एफ एस सी ए ग्रेड ए ऑफिसर तो आपकी एक्जैक्टली होगी एबल टू अंडरस्टैंडर रोलिटी एंड दोल ऑफ ऑफिसर एज वेल ओके अब अगर इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वट एक्सैक्टली सेंटर एम टू प्रोवाइड ये दो मेजर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है नंबर वन इंडियन कस्टमर्स इंडियन कस्टमर्स हुए इंडियन कस्टमर्स है जो कि फॉरन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं सो दिस प्रोवाइड्स अ मोर एफिशियंट वे फॉर देम टू एक्सेस फॉरन फाइनेंशियल सर्विसेज अभी ऐसा नहीं है कि हमें सर्विसेज नहीं मिलती नथिंग इज बैंड But it's not as efficient as it can be. And IFSCA, the center, the International Financial Services Center, aims to provide a more efficient way for Indian customers to receive foreign financial services. I mean, financial services, discuss don't worry. At the same time, it also aims to provide an opportunity to foreign customers, whether they are individuals, whether they are companies, whether they are governments, whether they're financial corporations. जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया लीमन ब्रदर्स था ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज टू बी एबल टू एक्सेस इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज ये चाहते हैं कि हम इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करें बट दी प्रेजेंट मेथड्स आर नॉट एफिशिएंट इनफ वहां पे डिले होता है कॉस्ट ज्यादा होती है सो दे गेट अफेक्टेड लॉज आर नॉट स्ट्रीम कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं टू एक्सप्लेन दिस वेरी ब्रीफली मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल छोटा सा लेना चाहूंगा अबाउट टू थ्री ईयर्स बैक आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ा सा अपना पैसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए इवन इफ इट इज लाइक टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वट एवर थोड़ा थोड़ा मेरे को डालना चाहिए सो आई बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट वेरी वेरी वेल अवेयर अबाउट दी एप्स दैट कैन बी यूज और जो ऐप है वो कभी बंद ना हो जाए वी डोंट नो वट इज द कंपनी विच इज वर्किंग बिहाइंडट ऐप सो आई गॉरेंट टच विद एच डी एफ सी और मैंने एच डी एफ सी को बोला यार आप बताओ मुझे I want to access uh, US financial markets and I want to invest there. How can I do that through you? So they gave me the contact of Global Investing, which is an international subsidiary and arm of HDFC. collaboration So they said that you can open an account with Global Investing. It is completely safe. It works through HDFC, and you can invest your money through Global Investing. my name account I linked my HDFC account with my Global Investing account as well. इन वन डे द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन क्रेडिट इन माई ग्लोबल इन्वेस्टिंग अकाउंट इज वन थाउजेंडर तो अगर मेरे पास एक लाख रुपए आते हैं कहीं भी मैं सेव करता हूँ दो तीन महीने में तो मैं एक साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ इफ आई ट्राई टू यू नो अपलोड मोर अमाउंट इन टू माई ग्लोबल इन्वेस्टिंग अकाउंट मेरा जो जी डी मैट अकाउंट है तो वो नहीं हो पाता है द मैक्सिम लिमिट इज वन थाउजेंड डॉलर जो कि मैं इंक्रीज नहीं कर पा सेकेंडली

I have to make sure that I'm not involved in something else to such an extent that I forget to check karna So it's a very hectic task and it's a very time-consuming task because I want to transfer the amount to today morning, but I receive the mail in the evening, in the afternoon, and the amount transfers in the evening, so I can use it the next day. So very small example on how inefficiency in our dealing with international financial services or any foreign customer trying to deal. With Indian financial services, what are the problems you face? What are the small small issues you face? A lot of people who are using uh, accessing international financial markets through other apps might not be facing this issue, might be facing some other issue. In the end, the solution is that we need an international financial center which can provide you 24 hour support and which can provide you a streamlined way of interacting and communicating with the international financial markets. Okay. तो ये हो गया रोल या फिर इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की ये जानना बहुत जरूरी था बिकॉज अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि हम एग्जैक्टली आई एफ एस सी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं हम करना क्या चाह अब बात कर लेते हैं तो सर्विसेज विच इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि क्या क्या सर्विसेज आई एफ एस सी प्रोवाइड करता है लेट मी टेक इट डाउन तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई एफ एस सी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है

इट बेसिकली ट्राइस टू मेक इट मोर स्ट्रीम लाइन मोर एफिशियंट फास्टर एंड बेटर जिससे कि आप ज्यादा पैसा रेस कर सको जल्दी पैसा रेस कर सको ओके सेकेंडली ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन लेट से आई एम अ वेरी वेल्दी इंडिविजुअल और मैं चाहता हूं कि मैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करूं मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करूं वेन आई स्टार्ट डूंग बहुत सारे लीगल इशूज होते हैं बहुत सारा पेपर वर्क होता है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी टू डायवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो मैं बोलता हूँ या छोड़ो पैसा कमाने पर फोकस करते हैं या फिर अपने काम पे फोकस करते हैं ये डायवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा अपने से दैट्स वॉट हैपन्स विद आस वेन यू स्टार्ट वर्किंग यूल ऑल्सो रियलाइज कि आप एक लाख रुपये महीने की सैलरी ले रहे हो वट एवर योर सेविंग यू नॉट एबल टू इन्वेस्ट इट वाइजली क्योंकि समय ही नहीं है ओके सिमिलरली ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम आएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्योंकि इट विल अलाउ यू टू डू इट इन एन एफिशिएंट वे एट द सेम टाइम खाली इंडिविजुअल्स नहीं करते डाइवर्सिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं बिकॉज दे टू अर्न मनी राइट वो भी इसीलिए काम कर रही है एट द सेम टाइम पेंशन फंड जो है वो भी डाइवर्सिफिकेशन चाहेंगे सो दैट दे कैन सेफ गार्ड देमसेव फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर सिमिलरली म्यूचुअल फंड हाउसेज दे वुड्सो वॉन्ट इट तो ये एक मेजर सर्विस हो गई विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन बेसिकलीफ यू वेल्दी इंडिविजुअल और अपोरेट एनी वो मैनेज योर वेल्थ यू कैन डू दैट बेटर इफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल सर्विसेस कुछ पैसा सिंगापुर में डाल दिया कुछ पैसा यूएस uh, में इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ पैसा किसी डेवलपिंग नेशन में लेट्स से इन अफ्रीका यू टू इन्वेस्ट एंड यू कैन डू दैट तो ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी मैनेजमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर कॉरपोरेशन कॉरपोरेश प्रॉब्लम इन टैक्स मैनेजमेंट स्पेशली इंटरनेशनली बिकॉज हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं कंप्लाइंग विद दो लॉज मेकिंग श्योर दैट यूर यो यूर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स बिकम्स अ वेरी टीडियस एंड अ एक्सपेंसिव प्रोसेस सो दिस कैन मेक इट बेटर दिस कैन मेक इट इजियर एंड चीपर फॉर दिस कॉरपोरेशन टू मैनेज देयर इंटरनेशनल टैक्सेस एसेट लाइबिलिटी मैचिंग स्पेशली फॉर बैंक की जो भी उनके एसेट्स है हाउ आर दे मैचिंग विद लाइबिलिटीज ऐसा तो नहीं है लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है एसेट्स बहुत कम है दैट शुड नॉट हैपन सो एसेट लाइबिलिटी मैचिंग इज ऑल्सो बेटर इंटरनेशनल सेंटर जहां पर उनके सारे एसेट्स इंटरनेशनल एसेट्स वहां पर वो कंप्लाई कर एक साथ, लग, रख सकते हैं, सारे liabilities एक साथ रख सकते हैं सारे लाइब्रिटीज एक साथ रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट वॉज परचेस्ड एक्वायर्ड बाई वॉलमार्ट तो उसके इसमें क्या था मर्जर एंड एक्विजेशन था अ फॉरन कंपनी बाइंग ए डोमेस्टिक कंपनी देखो कितने सारे लीगल हर्डल्स होंगे उसमें कितने सारे कंप्लायसेस होंगे इट बिकम्स अ लॉट मोर इजियर यू हैव ट्वेंटी फोर आवर रनिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि ये सारे एक्टिविटीज करने में आपकी हेल्प कर सकता है उसने बहुत अच्छे से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर दी इट बिकम्स ईजियर फॉर एम एनसीज टू एक्वायर इंडियन कंपनीज एंड फॉर इंडियन कंपनीज टू एक्वायर कंपनीज फ्रॉम सम अदर कंट्री ये हो गया हमारी सर्विसेज जो कि आई प्रोवाइड करेगा अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं विच इज वेरी ब्रीफ एस टू वाई सेपरेट प्लेस जरूरत ही क्या है तो बेसिक जो ये सारी सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू काम करेंगी नंबर वन आई एफ एस सी एम्स एट क्रिएटिंग लीगल फ्रेमवर्क सबसे पहला जो काम है वो है लीगल फ्रेमवर्क सेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना जरूरी एंड द थर्ड इज स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो ये तीन चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंश्योर करने की कोशिश करता है सो दैट इट कैन प्रोवाइड ऑल दीज सर्विसेज तो जरूरत क्या है आई की अलग से बिकॉज इट क्रिएट्स अ लीगल फ्रेमवर्क बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिकॉज इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोस्ट स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्योंकि एक अथॉरिटी है

अब आते हैं लास्ट पार्ट पे विच इज द डिपार्टमेंट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है स्टूडेंट्स को इसीलिए मैं इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं मैं आपको एक्सॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा विच ऑल डिपार्टमेंट्स आर यू एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग इन नाम से ही इट बिकम मोर क्लियर टू यू कि आप एग्जैक्टली exactly करने क्या वाले हो वेन यू गेट सेलेक्टेड एंड वेन यू स्टार्ट वर्किंग इन आई एफ एस सी नंबर वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये एक डिपार्टमेंट है इसको ये स्ट्रीम भी बोलते हैं दे डोंट कॉल इट ओनली डिपार्टमेंट दे कॉल इट स्ट्रीम सो यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रीम जहां पर वेर यू विल बी डीलिंग विद द बैंकिंग सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस

कैपिटल मार्केट ऑपरेशन कैपिटल मार्केट ऑपरेशन फोर्थ इज फंड मैनेजमेंट सर्विसेस हमने ये सर्विसेज में देख लिया है दैट दीज आर ऑल द सर्विसेज दैट आई एफ एस सी एम्स टू प्रोवाइड अब उसी के अराउंड आपके डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड है इंश्योरेंस हो गया कैपिटल मार्केट ऑपरेशन बिकॉज ट्वेंटी टू आवर्स के लिए काम करता है गिफ्ट सिटी और ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स इट्स रियल टाइम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जहां पे आप ट्वेंटी टू आवर्स के लिए कैपिटल मार्केट एक्सेस कर सकते हो नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ अदर कंट्रीज सो इट्स बिकम ईजी इन्वेस्ट एनवे अराउंड वर्ल्ड बिकॉज इट्स ओपन ट्वेंटी टू आवर्स आउट ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स तो कैपिटल मार्केट ऑपरेशन वो देखता है सिमिलरली फंड मैनेजमेंट सर्विज जो भी आपके मेजर मेजर फंड म्यूचुअल फंड हाउसेज है हाउ डू दे मैनेज फंड्स उनके लॉज रूल्स रेगुलेशन क्या है वो यहां पर देखे जाएंगे डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड लीगल जितने भी लीगल या फिर रेगुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर लॉज रूल्स सेटअप करने हैं दैट विल बी डन अंडर दिस डिपार्टमेंट देन यू हैव फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट और स्ट्रीम यू हैव आई स्ट्रीम एंड फाइनली यू हैव जनरल स्ट्रीम जिसमें की और सारी चीजें आ जाएगी विच विल इंक्लूड एच आर एस्टेट ऑल दीज वेरियस का जो आपको करनी होंगी द डिपार्टमेंट स्टेट यू कैन वर्क इन एज अ ग्रेड ए ऑफिसर इन आई एफ एस सी एके तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जिसके अंदर आप यू विल बी वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज अ स्टैटूटरी बॉडी है तो आपकी जॉब परमानेंट होगी ऐसा नहीं है कि कल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको निकाल सकते हैं एंड आई आई पर्सनली फील दैट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू आर बाउंड टू गेट जो एक्सपोजर आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के थ्रू काम करने को मिलेगा यू विल नॉट फाइंड इवन इन मुंबई देफोर इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक जॉब प्रोस्पेक्ट जो कि आपको अभी हो सकता है बहुत प्रोस्पेरस ना लगे बट डाउन द लाइन टेन ईयर्स डाउन द लाइन इट इज समथिंग वी वेरी वेरी कवर्टेड और बहुत ज्यादा लोग इसके पीछे भागने वाले हैं सो इट्स अ वेरी गुड जॉब प्रॉस्पेक्ट यू शुड एस्पायर फॉर इट यू शुड राइट द एग्जामिनेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इफ यू वास्क मी एनी थिंग यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग एल्स रिलेटेड टू आर बी एस ए बी और आई एफ एस सी ए देन यू कैन राइट इट अगेन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल ट्राई एन क्रिएट अ वीडियो ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल न रीच आउट टू मी बाय माई वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट रिजिंदल डॉट इन उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आई एल सी यू वेरी सोन गाइज कीप प्रिपेरिंग कीप वॉकिंग हार्ड ऑल द बेस्ट टेक केयर पबा जय हिंद